नदी पर्यटन की दिशा में भारत में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। भारत में निर्मित विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज का आनंद उठाया जा सकता है। ये कोई आम क्रूज नहीं है, ये पानी में चलता फिरता 5-स्टार होटल है। इस खास वीडियो में हम आपको इस क्रूज की अन्य विशेषताओं से रूबरू कराएंगे। अभी तक कई एक्सप्रेसवे और रोडवे इंफ्रास्ट्रक्चर ने हिंदुस्तान में कनेक्टिविटी के बेतासा दरवाजे खोले हैं। अब गंगा विलास क्रूज भारत को एक सबसे शानदार और लंबी क्रूज यात्रा के तौर पर विश्व में पहचान दिलाने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार यानी 13 जनवरी को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा बिलास को हरी झंडी दिखाएंगे। एमवी गंगा बिलास कोलकाता से चलकर यात्रा के लिए वाराणसी के रामनगर पोर्ट पहुंच गया है। अब यह वाराणसी से अपनी यात्रा की शुरुआत करेगा। यह 51 दिनों में लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा करके बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। लगभग 2 महीने के लंबे सफर के दौरान क्रूज भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरेगा। ये क्रूज असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों समेत 50 पर्यटन स्थलों को कवर करेगा। एमवी गंगा बिलास की पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक वाराणसी से डिब्रूगढ़ की यात्रा का आनंद ले सकेंगे। इन लोगों ने टिकट बुक करा लिए हैं। यह 1 मार्च 2023 को वापस वाराणसी लौटेगा। एमवी गंगा बिलास यात्रा कार्यक्रम को भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया गया है।